नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको एक राज्य की खबर बताने वाला हूँ जिसमें कि आंगनबाड़ी वर्करों को दीपावली से पहले बढ़ी सैलरी का तोहफ़ा सरकार देने जा रही है और यह मानदेय में बढ़ोतरी की खबर है तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जो भी नए व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो जैसे कि ये खबर जो आ रही है उत्तराखंड से आ रही है जहां पर आंगनवाड़ी वर्करों को दीपावली से पहले बढ़ी सैलरी का तोहफा यह होगी प्रति माह में बढ़ोतरी तो प्रति माह में बढ़ोतरी की खबर दीपावली से पहले आंगनवाड़ी वर्करों को मिलने वाली है तो आंगनबाड़ी बहनें आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2021 संडे की यानी कल की ये खबर है तो आंगनबाड़ी बहनें लगातार प्रदर्शन करते आ रही हैं जैसे कि उत्तराखंड की जो अभी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो लगातार एक महीने से धरना प्रदर्शन करते आ रही हैं कि उनको जो मानदेय दिया जाए वो कम से कम अठारह हज़ार रुपये तक दिया जाए तो आइए जानते हैं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनके द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है आइए खबर को पूरी विस्तार से जानते हैं जैसे कि प्रदेश की तैंतीस हजार से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय दिवाली से पहले बढ़ने जा रहा है पिछली कैबिनेट बैठक में इसके लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया है सीएम ने दीपावली से पहले आंगनबाड़ी वर्करों को खुशखबरी देने के संकेत दिए हैं यानी देखिए है यहाँ पे सीएम ने दीपावली से पहले जो भी आंगनबाड़ी वर्करे हैं उनको खुशखबरी देने के संकेत दिए हैं प्रदेश में आंगनबाड़ी में मुख्य सहायिका और मिनी वर्कर की संख्या 33,000 हज़ार से अधिक है इसमें मुख्य वर्कर को साढ़े सात हजार रुपये का मानदेय मिलता है जबकि सहायिका को चार हजार सात सौ पचास रुपये और मिनी को तीन हजार सात सौ रुपये का मानदेय प्रति माह मिलता है यानी ये जो मानदेय है वो फिलहाल जो इनको मानदेय दिया जा रहा है वो इतना मानदेय आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जा रहा है तो आइए जानते हैं कि इनके मानदेय में कितने बढ़ोतरी की गई है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आंगनबाड़ी वर्कर लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग करती आ रही हैं अब सरकार ने चुनावी साल में इस मांग को पूरा करने का मन बना लिया है सूत्रों के अनुसार महिला बाल विकास विभाग ने मुख्य वर्कर का मानदेय प्रति माह यहाँ पर देख सकते हैं प्रति माह दो हज़ार दो सौ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है इसी क्रम में सहायिका का मानदेय एक हज़ार दो सौ पचास और मिनी का मानदेय एक हज़ार रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है आंगनबाड़ी वर्कर है उनको दो हज़ार दो सौ पचास रुपए सहायिका को एक हजार दो सौ पचास रुपये और जो मिनी वर्कर है उनके लिए एक हज़ार रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है बीती कैबिनेट में मानदेय बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है तो कैबिनेट में जो भी बैठक हुई थी उस बैठक में इसके लिए सहमति बन चुकी है और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह सी धामी को अधिकृत किया गया है विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दीपावली से पहले मानदेय बढ़ाने की अधिकृत घोषणा हो जाएगी यानी दीपावली से पहले जो मानदेय बढ़ोतरी है उसकी घोषणा कर दी जाएगी हालांकि उन्होंने कुल बढ़ोतरी का खुलासा अभी तक नहीं किया है इससे पहले सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को कोविड काल में दी गई सेवाओं के बदले दो दो हज़ार रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन राशि भी दे चुकी है उक्त प्रोत्साहन राशि अगले छः माह तक दी जाएगी जैसे कि कोविड काल में भी आंगनबाड़ी वर्करों ने खूब मेहनत किया था जिसके बदौलत आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन प्रोत्साहन राशि के तौर पर दो दो हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं और यह प्रोत्साहन राशि अगले छ माह तक दी जाएगी आंगनवाड़ी वर्करों ने कोविड काल में शानदार काम किया है आंगनवाड़ी वर्कर जिन हालात में काम करती हैं सरकार उनकी सेवाओं को सराहती है इसलिए दिवाली से पहले उन्हें सरकार तोहफा देने जा रही है आज का ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ शेयर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद